ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष प्रस्तुति ओ वुमनिया में। दर्शकों, ब्रेक में जाने से पहले मेघा ने बहुत सारे मेहमानों से बात करी, महिलाओं से बात करी और उन्होंने आप सभी को बहुत सारी जानकारी दी। हमारे साथ यहाँ पर ममता भूपेश जी हैं। ममता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि राजनीति एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, तो इसमें क्या लगता है आपको कि महिलाओं को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मैं समझती हूँ कि इसको हम लोग पॉजिटिव वे में लेके जाएं तो महिलाओं को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि समाज को सुधारने का, एक अच्छे रास्ते पे लेके जाने का और एक अपना दायित्व जो राजनीतिक होने का आपका है उसको अच्छी पॉजिटिव की तरफ हम लेके जाएंगे तो हमें चुनौतियाँ नहीं उल्टा खुशी मिलती है कि हम अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए वो सब कर पा रहे हैं जो हमें उन लोगों के लिए करना चाहिए। मैम मीरा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सोच, अभी ब्रेक पे जाने से पहले कई सारी महिलाओं ने बोला कि सोच में बदलाव आना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि ये सोच में बदलाव कैसे आएगा? सोच की जब हम बात करें तो अभी जैसा कि मेरे से पहले ममता जी ने बोला कि परेशानी उनके लिए खुशी है, ये सोच ही है कि जिसको आपने परेशानी बोला उनको लगा मुझे अपने क्षेत्र में काम करके खुशी महसूस होती है कि मैं कुछ अच्छा काम कर पा रही हूँ। सोच हमारी सिर्फ एक दिमागी जो सोच कहते हैं उसको अगर हम उसी पे काम कर ले तो हमारा समाज क्या, हमारा खुद का परिवार क्या और हमारा जो पूरी एक डेस्टिनी है इस कंट्री की, इस वर्ल्ड की, वो चेंज हो सकती है। सब सोच ही है कि जिसको बोला जाता है आधा ग्लास खाली और आधा ग्लास भरा हुआ। जिस नज़रिए से हम इस ज़िंदगी को, अपने रिश्तों को देखेंगे, अपने काम को देखेंगे, वो आपको कोई जिम्मेदारियाँ नहीं लगेंगी, वो आपको लगेगा कि मैं, मेरी क्षमता है, मेरे में इतनी कैपेसिटी है, वो आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगा कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। तो ये सिर्फ सोच है, सोच से हम अपने काम को अपनी परेशानी बना सकते हैं, सोच से ही अपने हम अपने काम को अपना इनाम बना सकते हैं। तो ये मेरा मानना है कि हम अगर अपनी सोच पे काम करें, हम अपनी सोच को अपने आसपास के लोगों से शेयर करें तो सब कुछ बदल सकता है। आपने बोला कि अगर हम जो है इसको सोच लेते हैं कि वो हमारे लिए खुशी है तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं इनाम हो जाता है काम। मैम, मैं इस पर एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूँगी आपसे कि जब नॉर्मली कभी तो ऐसा होता है कि जो है महिला परेशान हो जाती है काम करके, तो उसको कहीं लगता है कि हाँ थोड़ा सा सपोर्ट होता फैमिली में, अगर मैं बाहर से काम करके आ रही हूँ तो घर में कोई ना कोई थोड़ा सा हाथ बटाने वाला होता तो ये प्रॉब्लम्स फेस करने में थोड़ी सी और अच्छा रहता, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत हम सब ह्यूमन हैं, डाउनसाइड अपसाइड चलती रहती है और मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि कुछ टाइम ऐसा आता है जब हम सब प्यार के लिए, प्रशंसा के लिए, कोई थपकी दे दे, कोई गले लगा ले, उस चीज़ के लिए तरसते हैं, चाहे कितना भी कोई स्ट्रांग हो, और कहते हैं जितना वो जो शो करता कि मैं बाहर से बहुत स्ट्रांग है, अंदर से वो कहीं से बहुत पिघला हुआ, बहुत नरम इंसान होता है। तो उसके लिए मैं सब महिलाओं को ये बोलना चाहूँगी कि अपने आप से प्यार ज़रूर करें, अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकालें, अपने आप को आप पैम्पर करें, अपने लिए वो समय निकालें कि आज मैं किसी भी चीज़ के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ अपने आप को, अपने आप के लिए कुछ ऐसा करूँगी कि मैं इस दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान हूँ। सो आपसे मैं मानती हूँ कि अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार आप खुद ही कर सकती हैं। जी, यहाँ पे प्यार की बात हो रही है तो मैं बता दूँ, विवाह जो है एक बहुत ही पवित्र बंधन है, प्रेम का बंधन जिसे बोला जाता है। मैम, जब हम शादी की बात करते हैं तो वो दो लोगों का बंधन होता है, लेकिन आर्थिक भार, पारिवारिक भार, तो क्या सिर्फ ये महिला की ही जिम्मेदारी है, उसके ही हिस्से में होनी चाहिए? नहीं, विवाह का माने ये था कि कॉम्पेटेबिलिटी और दोनों के जो ड्यूटीज़ थी वो फ़र्क थी, पुरुष की अलग थी और आदमी औरत की अलग थी पहले ज़माने में, इसीलिए कॉम्पिटेबिलिटी कायम रहती थी, बच्चों में संस्कार रहता था, बच्चों में शिक्षा रहती थी। सच में जब हमने ज़रूरत बना ली ये जिम्मेदारियाँ, तभी से ये झगड़ा हुआ ना, ये लिबरेशन का झगड़ा, और ये औरत की दोहरी जिम्मेदारी क्यों है, अगर एक जिम्मेदारी निभाती थी तो बहुत निष्णात थी वो उस फील्ड में अपने, और अब उसको ना तो वो, हालांकि उसमें क्षमता है, वो दोनों करती है और ज़रूरत है अब उसकी। तो मैं तो, अगर मुझसे कोई पूछे तो अगर समाज सुंदर बनाना चाहते हैं तो औरत और आदमी की परस्पर जिम्मेदारियों को बांट लेना चाहिए, औरत और आदमी की जिम्मेदारी, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे जो भी है, है ना? बिल्कुल निर्मला मैम, मैं आपसे सहमत हूँ कि जिम्मेदारियों को जो है बांट लेना चाहिए। ये तो स्टूडियो में हमारी जो गेस्ट हैं इनका सोचना है, लेकिन बाहर भी हमने कुछ पुरुषों की राय जानी
उनका क्या कुछ सोचना है, आइए देखते हैं। दोनों जिम्मेदारी सही है मैम, बाहर का भी काम करें और घर का भी, घर भी संभालें और बाहर भी संभालें, जैसे भी है मतलब जॉब वगैरह भी करती हैं, अपने बच्चों को फैमिली को भी संभालें और अपने। जिम्मेदारी सही है या गलत है? दोनों जिम्मेदारी मैम, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, वैसे सही है। तो गलत, थोड़ा गलत है। पुरुषों का सपोर्ट करना चाहिए? पुरुषों को बिल्कुल। आप करते हैं अपनी वाइफ का सपोर्ट, अपनी वाइफ के साथ हैं इस समय? इतना तो नहीं करते। सही है, तो उसके कर्तव्य बन रहा है उसका हर तरह से, उसके अगर वो वर्क में है तो उसमें भी सपोर्ट करना चाहिए, घर में भी सपोर्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली खाना तो लेडीज एक्सपर्ट होती है ना, लेडीज एक्सपर्ट होती है तो उन्हें बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर बर्तन आदमी धो देगा कि नहीं? नहीं, डिपेंड करता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है। सही है पॉसिबल है, वैसे सपोर्ट मिलेगा उन्हें। शालिनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, और मैं, मैम ने बोला कि दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, दोनों को आपस में मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आती ही हैं। तो महिलाओं के राइट्स क्या हैं, क्या उनके अधिकार हैं, किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बेयर कर सकती हैं और खुद भी स्वाभिमान से जी सकती हैं? देखिए, राइट्स तो सभी जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर रखे हैं, कानून बहुत बने हुए हैं महिलाओं के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, और राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लाइफ है, फंडामेंटल राइट्स हैं उनके, ज़िंदगी जीने के, एक्सप्रेस करने के, आज़ादी सोचने की, आज़ादी घूमने की, आज़ादी। अब उस पर तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस भी हो चुकी हैं, बट अल्टीमेटली क्योंकि अब वुमेंस डे हम लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, तो उस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि राइट्स के साथ साथ हम लोगों को एज एन इंडिविजुअल अपनी लीगल ड्यूटीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि राइट्स की जब आप बात करते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़। तो समाज के प्रति आपकी क्या ड्यूटी है उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, और इस चैनल के थ्रू मैं सभी महिलाओं को अपने एक्सपीरियंस से ये कहना चाहती हूँ कि इट इज़ ओके अगर आप एक्सपेक्टेशंस को लिव अप नहीं कर रही हैं, इट इज़ ओके टू कमिट मिस्टेक्स, आप गलतियाँ कर रहे हैं तो भी ठीक है, अब कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को या किसी और को प्रूव करने के लिए स्ट्रेस में आएं। स्ट्रेस की बात आ गई यहाँ पे, अनीता जी मैं आपके पास जाना चाहूँगी, आज हमारे देश में 78% महिलाएं जो हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। मैम, कहीं ना कहीं सोच जो है वो जिम्मेदार हो रही है, कहीं ना कहीं महिला जो है सोच में अपनी ही फंस जा रही है, तो इसको किस तरह से बदला जाए, इसमें किस तरह से सुधार लाया जाए? आज हम सब जगह वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे तो वो लीगल एम्पावरमेंट है, सोशल एम्पावरमेंट है, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, पर मैं जहाँ तक ज़रूरी समझती हूँ, सबसे पहला इमोशनल एम्पावरमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे तो वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे तो वो लीगल क्षेत्र में हो, चाहे आर्किटेक्ट के क्षेत्र में हो, या चाहे मैम किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारे साथ काम करने वाली हेल्पर है, अगर वो इमोशनली एम्पावर्ड रहेगी, इमोशनली स्ट्रांग रहेगी, तभी वो अपना ध्यान रख सकती है, अपने परिवार का ध्यान रख सकती है, और इस तरीके से समाज को आगे बढ़ा सकती है। तो फर्स्ट थिंग जो हमें देखनी है वो इमोशनली एम्पावरमेंट की। तो कैसे करेंगे इमोशनली एम्पावरमेंट? सबसे फर्स्ट बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले शुरुआत आपको अपने से करनी है। आप एक स्त्री है, आप अगर अपने आप को पहचानेंगी, आगे बढ़ेंगी, तभी तो आगे दूसरों के बारे में सोचेंगी। लव योर सेल्फ, जैसे कि मीरा जी ने कहा है कि खुद को प्यार करें। जब हम खुद को प्यार करते हैं तभी हमें आगे के लिए, आगे दूसरों के लिए प्यार दिखता है। गोल सेट करें, नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ, ये मेरा एक डेफिनेट गोल है, मुझे इसको अचीव करना है, अपने काम के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, बच्चों की तरफ, सब जगह, तभी आप जिसको आप कह रहे हैं दोहरी जिम्मेदारी, वो एक अच्छे से निभा पाएंगी, एक सफल स्त्री, एक सफल इंसान बन पाएंगी। मैम, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? मैं तो ये सोचती हूँ कि हर कोई आजकल दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश में है, अपने से ज़्यादा वो दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश में रहते हैं, इसलिए वो स्ट्रेस में आते हैं। तो मेरे ख्याल से तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप खुद इम्प्रेसिव हो, आपका काम इम्प्रेसिव हो, तो ये डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। आई फील दैट इज़ द जिस्ट। बिल्कुल, हमारे साथ भी जितनी महिलाएं थीं उनका भी यही कहना था कि सोच में बदलाव आना चाहिए, बिलीव इन योर सेल्फ और बिलीव इन योर वर्क, अपने खुद को प्यार करना चाहिए। लेकिन दर्शकों, आप सभी का, यहाँ भी जितनी महिलाएं आई, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति के क्षेत्र में जो महिलाएं काम कर रही हैं, उन महिलाओं का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। महिलाएं हर वर्ग में, कोई भी वर्ग हो, कोई क्षेत्र हो, काम की दृष्टि से हो,
चाहे व्यापार की दृष्टि से हो, जो भी महिला जिस भी क्षेत्र में है, चाहे उद्योग की दृष्टि में हो, महिला हर क्षेत्र में अग्रणी है। और अग्रणी होने के साथ साथ वो इन चीज़ों के साथ साथ घर को भी और अपने पूरे परिवार को भी और अपने क्षेत्र को भी, जिस भी वर्ग में वो काम कर रही है उसको भी पूरे को संभाल कर चलती है और रिजल्ट हर चीज़ का अच्छा देती है, बजाय मैं ये नहीं कहती कि पुरुष बुरा देते लेकिन पुरुषों के बजाय। तो महिला महिला को देखा जाए तो मेरा ये कहना है कि महिला, वैसे पुरुष प्रधान देश बोला जाता है लेकिन वर्क में और हर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो महिला प्रधान देश होना चाहिए, क्योंकि महिला जिस वर्ग में काम कर सकती है शायद पुरुष भाई नहीं कर सकते। देखिए महिलाएं अपने आप में दुर्गा भी हैं और शक्ति का स्वरूप हैं, तो ये तो आप ना कहें कि बस तीरी जिम्मेदारी है तो कहीं पीछे है, पीछे कहीं भी नहीं है, हर तरह का काम हम कर रहे हैं। महिला जिस तरह से परिवार की गाड़ी को आगे ले जाती है तो सिर्फ पुरुष की जिम्मेदारी कमा करके ला करके देने की नहीं होती है, परिवार को आगे बढ़ाने में, परिवार के संस्कारों में भी उसका महत्वपूर्ण रोल होता ही है और ये जिम्मेदारी वो निभा सकते हैं बहुत अच्छे से। महिला परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में पुरुष की जिम्मेदारी को निभा रही है, तो पुरुष को भी उसके घरेलू कामों में उसको जिम्मेदारी को बटाना चाहिए। और दुगनी क्षमता से महिला घर भी संभालती हैं, परिवार भी संभालती हैं और समाज में भी जाकर के अपना काम करती हैं, साथ ही आज तो कंधे से कंधा मिला करके पुरुषों के साथ में बराबरी भी कर रही हैं। वैसे काफ़ी मानसिकता बदल रही है और वास्तव में पुरुषों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आगे बढ़ावा लाना चाहिए। पुरुष अगर कल है तो नारी आज है, नारी से ही जुड़े देश और समाज है, नारी सेवा है, तपस्या है और त्याग है, नारी से ही जीवन में फैला राग है। फिर क्यों बदलाव की बात लगती है भारी, आखिर क्यों सिर्फ महिलाएं ही उठाती दोहरे जिम्मेदारी। उम्मीद है हमारे इस प्रयास से ठहरी हुई सोच को बहाव मिलेगा। नमस्कार। नमस्कार।